हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो जैसे कि भाई दूज है, सो भाई दूज के लिए मैं अपने घर आई हूँ मंडी हिमाचल। सो अभी सुबह सुबह से मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो भाई दूज की टाइमिंग है वो 1:30 बजे से पहले पहले की है, तो हमारा रहेगा कि 1:30 बजे से पहले पहले सेलिब्रेट कर लें। सो अभी बस नाश्ता वगैरह करेंगे, नाश्ता किए बिना ही मैं भाई दूज मनाऊंगी, अपने भाई की पूजा करूंगी और फिर उसके बाद ही हम नाश्ता करेंगे। सो रहेगा कि जल्दी जल्दी सब कुछ कर लें। सो जैसे भी जो भी होगा इस व्लॉग में आपको देखने को मिलता रहेगा। तो यहाँ भाई दूज के लिए मैं भी तैयार हो गई हूँ और ये स्टॉल मैंने मम्मी से लिया है और ये हमारे भाई साहब भी देख रहे हैं, अच्छे से तैयार हो गए हैं। सो अभी हम भाई दूज टीका करेंगे। सो यहाँ ये प्लेट रेडी हो गई है भाई दूज की, तो चलो मम्मी शूट करेंगे। सो मम्मी भी देख रहा कितने अच्छे से तैयार हो गई है भाई दूज का टीका लगाने के लिए। सो मम्मी आप अभी कहाँ जाओगे? मामू के घर है ना? मैं मामू के घर जा रही हूँ अभी। सो हम आपको वहीं मिलेंगे, हमें भी वहाँ लंच पे इनवाइट किया है। तो मम्मी निकल जाएगी, तो मम्मी का टीका मुहूर्त जैसे 1:30 बजे का है, तो मम्मी पहले पहले जाएगी, तो फिर उसके बाद हम भी पहुँच जाएंगे वहाँ पे। चलो मिलते हैं मम्मी। ठीक है, ओके। तेरा मम्मी का शरारा वाला सूट। सो यहाँ आप देखते हैं, मैंने टोटली अपना गेटअप चेंज कर लिया है बिकॉज अभी हम निकल रहे हैं अपने मामू मामी के घर जहाँ मम्मी गई थी, मैंने आपको दिखाया था। सो हमें लंच पे इनविटेशन है, वहाँ वहीं जाएंगे। चलो फाइनली अभी मामू मामी के घर स्कूटी में जा रहे हैं भाई के साथ। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं मामू मामी के घर, चलो आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज भाई दूज वाले दिन है, इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमी फिनाले मैच, और यहाँ देखना मामू के घर में हम मैच एंजॉय करते हुए। सो देखते हैं, मुझे लग रहा है आज इंडिया के फेवर में ही डिसीजन होगा, पहले ही प्रिडिक्शन कर दी है। मामू आप क्या बोलते हो? इंडिया विल विन सेमी फिनाले। फिंगर क्रॉस। सर तू क्या बोलती है कोई इंटरेस्ट? नो, क्या करोगे इसमें? ये देखना क्रिकेट का फीवर, खाना खाते हुए भी ध्यान कहाँ पे इन दोनों का। अरे खाना खा लो आराम से दोनों। हेलो, इनको टेंशन हो गई यहाँ पे, किसका कॉक किस प्लेयर की टेंशन हो रही है? ये कोहली शिट आउट, बच गया। चलो ये देखना इनकी गॉसिप्स रिगार्डिंग मैच। सो फाइनली यहाँ हमें खाने पे इनविटेशन था, तो आप देख सकते हैं मामी ने ना यहाँ सफेद चने, साग और कद्दू का खट्टा, जो हमारे यहाँ का बहुत ही ज्यादा जाना माना होता है, और ये हैं वो रोटियाँ तली हुई जो मेरी बहुत फेवरेट है। सो अभी मेरा ये लंच टाइम चल रहा है यहाँ पर। आप सोचिए मैं केले बैठ के खा रही हूँ बिकॉज सभी खा चुके हैं, मम्मी ने भी खा लिया, मामी मामू सभी ने। तो यहाँ मेरा अकेले लंच हो रहा है बिकॉज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट लेट किया था, तो सब खा चुके हैं इसलिए मैं ही हूँ।
और खाना बहुत टेस्टी बना है A1। तो गाइस अब इस पॉइंट पे ना पेट बिल्कुल भर गया है, तो मैंने यहाँ पे चने, पालक और कद्दू का खट्टा एक मिक्स कर दिया एक ही बाउल में, ताकि मेरे सारे बाउल्स फिनिश हो जाएं इस तरह से। ये देखे भाई दूज के दिन चंडीगढ़ वाले भाई साहब भी पहुंच गए। तो अब यहाँ पर चाय आई है, मुझे ना फीकी चाय पीना बहुत पसंद है, पर कुछ मीठा साथ में तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, फीकी चाय और कुछ मीठा। तो यहाँ गरी वाले लड्डू मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, जो गरी की लड्डू पीनी टाइप होता है, और ये मेरी फीकी चाय। बहुत बारी मुझे मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं चाय तुम्हें फीकी चाहिए पर खाओगी कोई चीज मीठी, इसका कॉम्बिनेशन ना बहुत मस्त होता है फीकी चाय और कुछ मीठे खाने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीछे से शोर बहुत आ रहा है बिकॉज मैच चल रहा है वर्ल्ड कप सेमीफिनाले, तो बच्चे भी उतना ही एंजॉय कर रहे और इंडिया बहुत ही अच्छा खेल रही है। सो फ्रेंड्स आज जैसे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड था, आई थिंक सभी घर में उतनी एक्साइटमेंट होगी हर जगह ओवरऑल। सो इंडिया ने फैंटास्टिक स्कोर बना दिया है, अकॉर्डिंग टू मी वो न्यूजीलैंड आई थिंक चेज नहीं कर पाएगी, तो मेरे लिए तो इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है। और आज भैया दूज सेलिब्रेशन था जो बहुत अच्छे से गया। सो यप, ये था मेरा आज का व्लॉग, सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।